hello to all the learners of Mathematics Maths Adda. Our today's lecture is determinant. Determinant का second video मैं आज लेकर के आया हूँ. First video में हमने देखा था कि determinant और matrices में basic difference क्या है और determinant actual में होता क्या है. तो किसी भी determinant में आपको 3x3 या उसके आगे जितने भी हमको topics determinants में करने हैं वो सारे topics आपको करने के लिए minor और cofactor की knowledge होनी चाहिए. मेनली कोफैक्टर की नॉलेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए क्योंकि कोफैक्टर से ही आप आगे सॉल्व करेंगे पूरा जितना भी बचा हुआ इसका पार्ट है. बात करें अगर माइनर की तो माइनर क्या होता है, माइनर की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, उसके बाद हम कोफैक्टर पे आएंगे. तो व्हाट इज माइनर? द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग इट्स आईथ रो एंड जेथ कॉलम इन डिटर्मिनेंट ए इज डिनोटेड बाय एम आई जे एंड इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे. दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ. द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय removing its ith row and jth column in determinant of A is denoted by mij is called the minor of the element aij. बहुत सिंपल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की हमने ली a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. अब जो माइनर होगा, माइनर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकलता है. किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट किसका? मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स का जब आप किसी, क्योंकि मैट्रिक्स का मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स में अगर मैं कहीं पर भी वर्ड बोल रहा हूँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही मैं बोलूँगा, वो आप ऑटोमेटिकली समझिए क्योंकि हम कोई भी इसके अलावा मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा करके उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो अगर हम बात करें माइनर की तो माइनर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे a12 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है तो वो ये बोल रहा है कि अगर जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो आप उस एलिमेंट, जो भी वो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वो वाली रो और उसके करस्पॉन्डिंग जो वो कॉलम बन रहा है उसको छोड़ दो. उसको जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपने इसको और इसको छोड़ देना है. जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है फिर से. तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा? a21, a31, ये दो एलिमेंट बचे हैं और ये दो एलिमेंट बचे हैं a23, a33. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा? a21, a33 माइनस a31, a23. ये आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में मैंने. तो ये हो जाएगा जो सॉल्व करके नंबर आएगा, इट इज़ द माइनर ऑफ a12 के करस्पॉन्डिंग ये माइनर की वैल्यू होगी. अब जैसे मुझे a13 के करस्पॉन्डिंग निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है. तो आपका माइनर क्या बन जाएगा? ये चार एलिमेंट्स आ जाएंगे a21, a31, a22, a32. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको a13 का माइनर मिल जाएगा. और इसको रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं? mij. तो ये माइनर किसके करस्पॉन्डिंग था? a12 के. तो ये m12 की वैल्यू हो गई और ये किसके करस्पॉन्डिंग था? m13. अब जैसे मुझसे कहा जाए m32 निकालना, m32 का मतलब क्या है? a32 के करस्पॉन्डिंग आपको माइनर निकालना. तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें, आप क्या क्या बचेगा? a11 बचेगा, इसको और इसको छोड़ देना है आपको, a21, a13 और a23. मुझसे कहा जाए कि m21 निकालो, m21 मतलब a21 के करस्पॉन्डिंग आपको इसका माइनर निकालना. तो ये कॉलम और ये वाली रो, इसको और इसको छोड़ देना है आपको. जिस भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर निकाल रहे हैं उसकी रो और उस कॉलम को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट आपको निकाल देना है. a12, a32, a13, a33. इसको सॉल्व कर लें, आपको इसका माइनर मिल जाएगा m2 है. तो ये माइनर है. किसी भी डिटर्मिनेंट में आप कैसे माइनर निकालेंगे कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, तो वो मैंने आपको बताया. अब आते हैं, बात करते हैं कोफैक्टर की. तो कोफैक्टर जो वर्ड है, ये कोफैक्टर माइनर पे ही डिपेंडेंट है. कोफैक्टर को बेसिकली ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी किसी बुक में आपको सी से भी ये रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. तो कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो ये होता है -1 की पावर i + j इंटू mij. यानी कि aij की जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है mij पे, यानी कि माइनर पे.
किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं तो वो कोफैक्टर आप माइनर की हेल्प से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, माइनस वन की पावर आई प्लस जे कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए टू वन निकालना है, तो ए टू वन का मतलब माइनस वन की पावर आई की जगह पर कितना आ रहा है, टू टू, और जे की जगह पर कितना आ रहा है, वन, टू प्लस वन, और यहाँ एम आई की जगह पर टू वन, तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस हो जाएगा एम टू वन। एम टू वन कैसे निकाला था मैंने भी आपको बताया था पूरा सॉल्व करके। ऐसे ही मुझे ए थ्री टू निकालना है कोफैक्टर, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू हो जाएगा और एम थ्री टू। एम थ्री टू कैसे निकालना है वो माइनर मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो फॉर्मूला है ये कोफैक्टर का है। कोफैक्टर में जब आप वन वन लेंगे यहाँ पे तो इसकी पावर इवन आएगी, तो माइनस वन की पावर इवन प्लस हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, इसमें साइन चेंज होता रहेगा आपका, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से कोफैक्टर में साइन चेंज होता रहेगा। ये बेसिक आपका डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर पे। कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से हम देखते हैं कि कोफैक्टर और माइनर हमको कैसे निकालने हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। इसके माइनर और कोफैक्टर हमको निकालने हैं। तो इधर मैं माइनर निकाल ले रहा हूँ और इधर मैं कोफैक्टर्स निकाल ले रहा हूँ। पहला माइनर क्या होगा, एम वन वन, एम वन वन इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा एम वन टू, इसके करस्पॉन्डिंग एम टू वन, और लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग एम टू टू। एम वन वन, एम वन वन जैसे हम निकालेंगे तो ये इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या डी, डी आंसर हो जाएगा। एम वन टू का मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग इसको और इसको छोड़ दो आप, सी हो जाएगा। फिर इसको और इसको छोड़ेंगे बी और ए, ये माइनर की वैल्यू हो गई। कोफैक्टर क्या था, ए वन वन क्या था, माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, और एम वन वन कितना आ रहा है डी, तो ये डी हो जाएगा। ए वन टू कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू, माइनस वन की पावर थ्री ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा साइन, और एम वन टू कितना आ रहा है सी, तो माइनस सी हो गया। एम टू वन, माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन, माइनस वन की पावर थ्री माइनस, और एम टू वन कितना आ रहा है बी। एम टू टू, माइनस वन की पावर टू प्लस टू इवन हो जाएगा, एम टू टू माइनस वन की पावर टू फोर प्लस वन हो जाएगा, और एम टू टू कितना आ रहा है ए। तो ये आपके कोफैक्टर्स की वैल्यू हो गई और ये माइनर्स की वैल्यू हो गई। यहाँ आप देखिए साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज होते रहने, इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। तो ये टू बाई टू का मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, एक थ्री बाई थ्री का भी मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं फोर थ्री वन, सेकेंड रो है वन थ्री टू और टू वन फाइव, यहाँ माइनर और यहाँ कोफैक्टर्स। एम वन वन, एम वन वन में क्या होगा, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देना है जिसके करस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो, कितना हो जाएगा थ्री टू वन फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्टीन माइनस टू कितना हो जाएगा थर्टीन। कोफैक्टर ए वन वन, ए वन वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, माइनस वन की पावर इवन वन हो जाएगा, और एम वन वन कितना आ रहा है थर्टीन, तो आंसर हो जाएगा थर्टीन। ये कोफैक्टर हो गया, माइनर हो गया। एम वन टू, एम वन टू इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इस वाले कॉलम और इस वाले रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा वन टू और टू फाइव, वन टू टू फाइव कितना हो जाएगा फाइव माइनस फोर वन। यहाँ कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू ऑड पावर माइनस, और ये माइनस वन हो गया। एम वन थ्री, लास्ट वाले के करस्पॉन्डिंग इसको और इसको छोड़ देंगे, वन टू थ्री वन, वन टू थ्री वन, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, और यहाँ ए
वन थ्री हो जाएगा आपका माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री, इवन पावर प्लस, और एम वन थ्री कितना आ रहा है माइनस फाइव, ये हो जाएगा ए टू वन, ए टू वन अब यहाँ आ गए हम, इसको और इसको छोड़ देंगे तो थ्री वन वन फाइव, थ्री वन वन फाइव, फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन, और यहाँ करें बात तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन, माइनस वन की पावर ऑड है माइनस साइन आएगा और माइनस का क्या हो जाएगा फोर्टीन, ए टू टू, ए टू टू हम यहाँ आ गए, इसको और इसको छोड़ देंगे तो फोर टू वन फाइव, फोर टू वन फाइव, ट्वेंटी माइनस टू एटीन, सॉरी ये एम होगा, ए टू टू क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू, ये प्लस वन हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 18। अब ऐसे निकालेंगे ए टू थ्री फिर ए थ्री वन, आगे के आप माइनर्स भी निकालें कोफैक्टर्स भी निकालें इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मूला है कैसे आपको माइनर निकालना है, कैसे आपको कोफैक्टर निकालना है किसी भी डिटर्मिनेंट का। इसी तरीके से आप कितने भी ऑर्डर का अगर आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आप उसके माइनर और कोफैक्टर्स बड़े ईजिली निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और दोनों लेक्चर्स को ध्यान से देखें क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स हैं डिटर्मिनेंट के। आगे जा करके हम फिर इन्हीं पे बेस्ड हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सब इन्हीं पे बेस्ड होंगे।